Hi guys, this is Nikita and welcome back to my channel The Blushy Cheeks and welcome back to my another vlog. So today is 3rd of November और कल है करवा चौथ. So I thought कि चलो एक vlog बना ही देते हैं. और yeah, तो अभी थोड़ी देर बाद में करने वाली हूँ स्किन केयर और उसके बाद मेहंदी वगैरह लगेगी. तो हाँ, पूरा दिन आज बिजी ही रहने वाला है. Let's see क्या क्या होता है. So yeah, I'll see you guys after some time. ओके, तो अभी हम अपना स्किन केयर जो भी है वो करने वाले हैं. सबसे पहले मैं एक DIY फेस पैक बनाने वाली हूँ, तो उसे अप्लाई करूंगी. सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने वाले हैं. ओके, सो द फेस पैक इज रेडी एंड अभी हम सबसे पहले हमारे हेयर को ट्राई कर लेंगे. Yes, baby. So guys, फटाफट से मैं इस फेस पैक को लगा रही हूँ. और ये जो फेस पैक है बहुत ज़्यादा चिल्ड है बिकॉज मैंने इसमें रॉ मिल्क ऐड किया था और वो थोड़ा सा चिल्ड था, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पूरा फेस पैक चिल्ड हो गया था और बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा फील हो रहा था मुझे. बट दिस वर्क्स अमेजिंग एंड लास्ट में मैं आपको इसके रिजल्ट वैसे भी बता ही दूंगी. ओके, तो अब मैं इस फेस पैक को अपने फेस पे 15 मिनट्स के लिए रहने दूंगी और उसके बाद मैं अपने फेस को वॉश कर लूँगी नॉर्मल वाटर से. एंड नाउ एज यू कैन सी बहुत ज़्यादा फ्रेश और ग्लोई लग रहा है मेरा जो फेस है. एंड या और इतना ज़्यादा सॉफ्ट फील हो रहा था ना, लाइक बटरी सॉफ्ट लग रही थी मुझे मेरी स्किन. जो बेबी सॉफ्ट स्किन होती है ना, वैसा फील हो रहा था. एंड दिस फेस पैक वर्क्स रियली वेल. और मैंने इसे फर्स्ट टाइम ही अप्लाई किया है. आई मीन जो DIY फेस पैक है मैंने फर्स्ट टाइम ही बनाया है और दिस वर्क्स अमेजिंग. एंड टॉवल से डैप डैप करके मैं अपने फेस को यू नो सॉफ्ट कर लूँगी. और अब हम करेंगे पील ऑफ. तो मैंने ये पील ऑफ यू नो मेरे पास एक चारकोल पाउडर है और उसमें मैंने थोड़ा सा एलोवेरा पील ऑफ ऐड करके मैंने इस पील ऑफ को बनाया है. सो इसी में सिर्फ अपने नोज़ एरिया और चिन एरिया पे ही अप्लाई करने वाली हूँ और थोड़ा सा मुस्टाचे पे भी. प्लीज बैकग्राउंड वॉइस को प्लीज अवॉइड करना, ये रोज का चलता ही रहता है. सो जस्ट अवॉइड. ओके, अभी अगेन 15 मिनट्स के लिए मैं इसे अप्लाई करूँगी. और इसको निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था इसलिए हमेशा यू नो लोअर से अपर साइड में आपको पील ऑफ करना होता है, बट लोअर से हो ही नहीं रहा था तो आई थॉट कि अपर से ही करती हूँ. पूरा टुकड़ों टुकड़ों में बिखर करके ये निकल रहा था और इट्स वेरी पेनफुल. एंड या अभी मैं फटाफट इसे पील ऑफ कर देती हूँ. मैंने एक वेट पैड की हेल्प से पूरे फेस को क्लीन कर लिया है. जो भी यू नो थोड़ा बहुत रह जाता है, पील नहीं हो पाता है, उसे ही वेट पैड की हेल्प से आप क्लीन कर सकते हैं. ओके, और या डन विथ दिस. नाउ अभी मैं क्या करने वाली हूँ, अपना अपनी लिप्स को स्क्रब करने वाली हूँ. उसके लिए मैं सबसे पहले लिप बाम से अपने लिप्स को मॉइस्चराइज कर लूँगी ताकि हमारा जो स्क्रब है वो बहुत
लिप बाम लगा करके स्क्रबिंग करने से यू नो एक लिप बाम लगा के आप अपने लिप्स के ऊपर एक लेयर बना लेते हैं, उसके बाद स्क्रबिंग करने से ना आपको हर्ट नहीं होगा और इजीली आपकी जो भी डेड स्किन सेल्स है या जो ब्लैकनेस है वो सारी रिमूव हो जाएगी। और अभी आप देख सकते हैं मेरे लिप्स कितने बेबी सॉफ्ट और कितने पिंक दिख रहे हैं। और या लिप स्क्रबिंग इज ऑल्सो ज़रूरी। अभी फिर से हम लिप बाम अप्लाई करेंगे। ओके, अब मैं अपने फेस पे एक अच्छा मॉइस्चराइजर अप्लाई करूंगी। मेरे फेस पे एक पील ऑफ वगैरह लगाने के बाद आपकी स्किन थोड़ी सी ड्राई फील करने लगती है और विंटर्स भी आ चुके हैं तो स्किन मेरी तो एक्स्ट्रा ड्राई स्किन ही, तो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मॉइस्चराइज करना अपनी स्किन को। और ड्राई स्किन ना भी हो तो भी आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करें। और मेरी स्किन देख सकते हैं अभी कितनी ग्लोई और सॉफ्ट लग रही है। एंड या डन विथ स्किन केयर। अब भारी आती है हमारी मेहंदी की, तो अब मैं मेहंदी बनवा रही हूँ। गाइस इतना सा मेहंदी लगाया मुझे अभी तक और उसमें मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लगने लग गई थी। मेहंदी ऑलरेडी इतनी ठंडी होती है और मौसम भी बहुत ठंड, मेहंदी ऑलरेडी इतनी ठंडी होती है और मौसम भी बहुत ठंडा हो चुका है, सो बहुत ज़्यादा शिवरिंग और ऐसा फील हो रहा था। बट या इस हाथ पे अभी पटाख से मेहंदी लग जाएगी। दूसरा हाथ भी हमारा शुरू हो चुका है और दोनों हाथ के बैक पे भी मेहंदी बनवानी बाकी है। ये फटाफट से हो जाए, इसके बाद बैक साइड में भी मेहंदी लगवा के फिर उसके बाद गाइस पेरो वाली मेहंदी इज ऑल्सो डन। एंड या दिस इज द फाइनल लुक ऑफ मेहंदी। सो गाइस प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो दैट आप लोगों को मेरी मेहंदी कैसी लगी। और या पार्ट टू भी बहुत जल्दी आएगा, सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।